सो गुड आफ्टरनून गाइस, मेरा नाम है भारत सेठी। आप देख रहे हैं आपका चैनल स्पोर्ट्स एंड मोर। एंड आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। और क्यों है इसका मतलब, क्यों है आई डोंट नो इवन के ये कंट्रोवर्शियल क्यों है। अगर आपने रिसेंटली देखा होगा तो कॉफी विद करण में दो क्रिकेट प्लेयर्स आए थे, हार्दिक पांड्या एंड KL राहुल। एंड पता नहीं इनमें ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत ही बुरे कमेंट्स किए या बहुत ही गलत तरीके से एटीट्यूड था, लेकिन मुझे तो कुछ समझ नहीं आया इन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि लोगों को हर्ट होगी या दूसरे लोगों को बुरा लग गया या इट वाज डिग्रेडिंग फॉर समवन। सबसे पहले तो ये बात निकल के आई कि उन्होंने एक कमेंट किया कि तेंदुलकर से अच्छे बैट्समैन विराट कोहली है, तो यार ये तो पर्सनल ओपिनियन है, ये तो किसी की भी हो सकती है। एंड जो बाकी बातें हैं कि बंदा चलो ओपन है अपनी फैमिली से, अच्छी बात है, इसमें किसको क्या बुरा लग गया ये। और ठीक है ये तो अलग बात है, लेकिन BCCI ने ये दो प्लेयर ड्रॉप ही कर दिए हैं। बंदे ने करा है क्या है, कुछ गलत किया हो तो बात भी है, लेकिन बंदे ने अपनी बातें सामने रखी हैं एंड अपने बस एक्सपीरियंस शेयर किया। इट वॉज अ लाइट हार्टेड शो एंड दे मेड अ बिग डील आउट ऑफ इट। क्या ठीक है, कुछ लोग तो लोगों का काम कहना होता है, लेकिन उनको कोई क्या नाम है स्पॉन्सरशिप्स भी ले ली हैं वो, पता नहीं कौन कौन से मैं कंपनी का अब क्या नाम लूँ, लेकिन क्यों ये सब किस लिए। अगर आप, हो सकता है कि शायद मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्या कह दिया। और अगर ऐसा है कि कुछ इतना कुछ बुरा कह दिया उन्होंने कि उन्हें ऐसे सब पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तो शायद पनिशमेंट भाई मुझे भी मिलनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो समझ ही नहीं है कि भाई उन्होंने गलत क्या कर दिया। अब इससे क्या होगा कि जो एक चीज़ एक अच्छी चीज़ शुरू हो रही थी कि अपने क्रिकेट प्लेयर्स और शायद बाद में हो सकता है दूसरे एथलीट्स भी अच्छे अच्छे ऐसे शोज में जाते थे, वो अब नहीं जाएंगे। और किसकी सोच की वजह से, ये आप खुद अंदाज़ा लगाइए। या थोड़ा सा फेम के लिए, और पता नहीं मैं वैसे क्रिकेटर्स के नाम नहीं लेना चाहता, और लेकिन उन्होंने वो भी इस बात को अपोज कर रहे हैं कि हनी हार्दिक पांड्या ने बहुत गलत कह दिया, इट वाज नॉट गुड। क्या क्या गलत कह दिया बंदे ने। अगर आपके कोई थॉट्स हैं कि ये सब कॉर्नर किया ही जा रहा है इन प्लेयर्स को बिना किसी बात पे, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। एंड अगर आप कहते हैं नहीं ये सही नहीं किया उन्होंने, उन्होंने बोला तो ही उन्हें ऐसे खामियाजा भुगतना पड़ा, तो प्लीज़ मुझे समझाइए कि ऐसा क्या बोल दिया उन्होंने। थैंक यू वेरी मच।